गुड, वेरी गुड, चलो सही है, ठीक है। अब अगर तुम हार गई तो फिर दोबारा एक और होगी। शी सेइंग गुड आप। अरे मैं तो मोटिवेट कर रही थी यार, जब गाने पे कुछ। बहुत सारी हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी हैं, ओके बोलो बोलो। पर फिर आगे तो बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज। ये क्या है? भाग्या माँ ठुलो भगवंग परिपछी सपाना हरू पानी चुही। वो चुही चुही कहाँ से आ गया? अबे चुही कहाँ से आ गया? ये नहीं आ रही समझ में दूसरी। नहीं, ये यार बहुत, यार नेपाली बहुत मुश्किल है, बोल नहीं जा रही। मुझे भेजो इसमें ज्यादातर संस्कृत और संस्कृत तुम उसके लगे थे, तुम स्कूल तो में यहाँ 2 साल पढ़ी पे है, तो मैं मास्टर लगी हो ना समझती यहाँ पे। हूँ। मास्टर नहीं लगी लेकिन देखूँ तो यार। ठीक है भेज रही हूँ। एक तो ये चलिए बोल यार देना, दो मैं ये प्रॉपर गाइस लिखूंगी। हैंग गाइस आउट यार, कम ठीक ऑन है गाइस रिवीज प्लीज, पढ़ अरे लिया अभी ना से तो डेयर फिर भी करवाने तो सब लोग समझ आ रही हेडेक्स है। मारो। तुमने मैंने तो इतने मेरा रिव्यू लाइव को भी भी नहीं नहीं लगाया लगाया पता पता है, है, मैंने मैंने कष्ट कष्ट तो तो एकदम एकदम ही ही क्या लगाऊं मैं लाइव को। ये ओके भी भेजा मैंने। ये वाला देखो 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 मैंने भेजा। यार ये तुम में है, ये ग्लव क्यों है? गाइस जस्ट कम डोंट ऑन डेयर गाइस, लव मोबाइल मैंने छोड़ा। वो ही मैंने लिखा मैंने है मैंने लिली, लेकिन ग्लव्स वहां क्यों के है? वर्ड्स बहुत ज्यादा, मतलब आई थिंक डीप नेपाली है, तो हमें प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे। भावं परे भाची सपना हरू पानी चुहियार सखीदा रहीचन। क्या मतलब, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया। इतनी तो अभी मैं भी वो नहीं हुई हूँ। बहुत, ये बहुत डीप वर्ड्स है यार यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच दीपेश, थैंक यू राकेश ब्रदर, थैंक यू सो मच। जो जो आउछाना एक इंसा इंस इन इकार इंसाश व्हाट ये फिर फिर हार गई। हार गई। तुम लोग ग्लव मत लगाओ, कोई यहाँ पे प्ले भी नहीं करा तुम्हारे ग्लव की वजह से, बदतमीज कहीं की। डर बताओ। डेयर तुम्हारा ये है कि तुमने एक बहुत फीलिंग के साथ शायरी बोली और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ। ठीक है फिर मुझे कोई अच्छी ढूंढने दो। फीलिंग हाँ फीलिंग के साथ ऐसे पूरे एक्शन करके ना। कहाँ से आएगी जब चीजें समझ में नहीं आएगी? फीलिंग कहाँ सही है से आएगी यार, जब चीजें समझ में नहीं आएगी? आएगी यार फीलिंग आएगी, क्या होता है, फीलिंग भी आएगी, डोंट वरी। हाँ पाकिस्तानी शायरी वो करें। करो, बोलो। पाकिस्तानी हाँ ओके उर्दू शायरी करते हैं। शायरी विद फीलिंग्स। हाँ हाँ ठीक। अरे फीलिंग्स अंदर से लाऊंगी फीलिंग्स, अभी रुको। जॉन एलिया, वैसे चुप करो तुम। जॉन एलिया, जॉन एलिया जिसकी खुद की शक्ल हुई भी है जॉन एलिया। वहां से कितनी बुरी बेइज्जती की सुननी पड़ी। जॉन एलिया जैसी शक्ल और आपदा परवीन ओए जैसे ओए नाम ओए देखो। ओए ओए एक मिला यार, बड़े मजे का है। सुनो सुनो सुनो। ओके हाँ इरशाद ओके गाइस, तो अर्ज किया है इरशाद बोलना इरशाद इरशाद मामू। वापस कट अगेन, फीलिंग लाओ अपने अंदर भी। ओके ओके चलो चलो, तो अर्ज किया है थैंक्स अमिषा दीदी, दोबारा से अभी। अब मैं सीरियस हो जाऊँ, थैंक यू बाद में कर लेती। मैं अच्छे से बैठ तो जाऊँ यार, रुक जाओ। और वाह वाह बोलते हैं जाहिल कहीं की। गाइस चलो चलो बात स्कूल बोलते जाओ, हैं पागल, बाबा तो बाबा बाद क्लास में में बोलते बोलते हैं। हैं। अभी हाँ बैठी हो तो पता हो ना, हमेशा जूम वालों के साथ बैठी, क्या पता होगा तुझको। चुप अच्छे से बोलो ओके, बाबा नहीं बोलते शाद बोलते हैं, शाद शाद। भाई, जो भी बोलना है बोल, और अपना हेयर स्टाइल छोड़ दो बस, वैसी छपरी लग रही हो। तो चल चल तुझसे कम लग रही है, चल स्टार्ट स्टार्ट। अर्ज किया है इरशाद इरशाद सर झुकाना अगर जुर्म है, है? सर झुकाना अगर जुर्म है, हम निगाह से सजदा करेंगे। गाइस मतलब समझे तुम लोग। क्या फीलिंग थी यार, वाह फीलिंग वाह 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 तो वाह, थी। वाह वाह तकलिया फीलिंग सब लिया। इज्मा, ओ ओ हाँ फजर पड़ी नहीं जाती तुझसे, सजदों में तू करेगी। आंखें पहले देखा करो कितनी नमाजें पढ़ती हूँ मैं। दूसरा अच्छा ही था ये। अभी तो सुना दो वाह तुम। वाह
जल्दी, लास्ट, ये लास्ट है, इसके बाद तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। तो अर्ज किया है, वाह वाह वाह, यहाँ किसी को कुछ हिसाब इरशाद था, वावा क्यों था, दोबारा से, दोबारा से, अभी यार क्या मसला है यार, क्या दुबारा मसला से, दोबारा से, दोबारा से, अगेन अगेन, बस स्टार्ट बोलो, सबर है सबर, कल ब्लॉग आएगा कि नहीं, नहीं नहीं, दोबारा से स्टार्ट स्टार्ट, दे दी इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग आएगा, कितनी टाइम वॉशरूम गई बता दिया सब, ओके, तो अर्ज किया है इरशाद, यहाँ किसी को कुछ हस्बे आरजू ना मिला, यहाँ किसी को कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमें कोई ना मिला। वाह, दिल टूटी शायरी थी यार ये तो। वाह 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 वाह, बट ना वो अंदर से नहीं आ रहा। हाँ अंदर से नहीं आ रहा क्योंकि मुझे कोई चाहिए भी नहीं। अरे यार बस ना ठीक है, तो ना टूटी हुई रूह हूँ मैं, जो मैं फील के साथ लेकर आऊ, अंदर से ही आ रहा है ये, हम जिस तरीके से बोल रहे, ऐसे लग रहे बच्चा जो है ना वो से पारा पड़ रहा है। हाँ तुमने तो PhD कर रखी है ना शायरियों में, सोचे तुम अच्छे से कर सकती हो। अरे मतलब वो आवाज अंदर से निकालो ना, अंदर से, तो मैच लास्ट। अच्छा अभी भी तो हार हार के भी दो, तुम्हारी मर्जी से लगा लिए, आओ घुसो, तुम्हारी मर्जी से लगा लिए, बेशक तुम्हारी मर्जी से, तुमने किया, देर कौन कर रहा है, मर्जी किसकी चल रही है, क्योंकि तुम हार रही हो, स्मोक लेकर आओ, तुम करती होगी ना, तुम्हारे पास होगी, मेरे पास नहीं है, मेरी हवा पास है। ओहो बस करो, चूसनी आप लेके घूमते हो इधर उधर, क्या चूसनी भाई, क्या चूसनी, क्या बोल क्या रही है, गेम एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट के अंदर घुसो, चलो मैं जो बोलूंगी वही होगा, नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तू तो करेगी, मैं करूंगी तो करूंगी, बट इस पे रख के नहीं करूंगी, उस पे रख के करूंगी, ये कबूल नहीं, अभी ऑल गिफ्ट्स पे ही होएगा, क्या कर लेगी तू बोल, नहीं तू क्या कर लेगी, तू ये बता, तू क्या उखाड़ लेगी, उखाड़ा क्या उखाड़ोगी, रूम में आऊंगी, आजा बैठ जा, वैसे ही आगे घुस जाती, कभी मुंह धोने, कभी क्या करना, आजा फिर से आजा, अपनी लाइफ बंद करिए, आजा एक्सेप्ट करो इसमें, बातें मत करो, मैं नहीं करूंगी, हैंड हाथ लगाओ, हैंड हाथ लगाओ, टेंशन लगाओ, ये नहीं कर रही मैं, बाल बाल नोच लूंगी अभी आगे, जितने पीछे जितने बांध के ना, ऐसे ऐसे बांध के बैठे शरीफ उन्निसा, देखो जलील ही होने देती, मैं तेरे लिए क्यों लड़ी, तू है ही जलालत के लिए, अबे अबे लड़ी मैं थी तेरे लिए पहले, जो मैंने लोगों का मुंह बन गया था, सही हो रही थी ना, पता नहीं था, रो मत, आज की स्ट्रीक तोड़ो इसकी यार, कसम से क्यों लेके बैठी आज की स्ट्रीक है, सॉरी यू जस्ट स्टैंड अप, वही तो अगर मैं खड़ी हो गई तो फिर ये कांपने लग जाएगी, तो इसलिए मैं कोई नहीं, मैं कांपने लग जाऊंगी, मैं तो आई, मैं और वासी ना कसम से हम दोनों छोटे बहन भाई है, लेकिन हम इसको इतना रोल के रखते हैं, ये सब में ज्यादा रुलती है, बताओ सच्चाई, मेरी बहुत चलती है, बहुत चलती है, मम्मा से अपने हक के लिए रोती है, मम्मा ये इज्मा ने ऐसे बोला, मम्मा वासी ने ऐसे बोला, सब बच्चों की तरह रोती है, बताओ ना सबको, तेरी औकात सही थी, मैंने क्यों लड़ी तेरे लिए, तो ना लड़ती क्यों लड़ी मैं, तू छोटी इज़ू लाइंग, तू तो चुप कर जा, जॉन एलिया वासु तू चुप कर, तू हम वासु और मैं टीम में, वासु इधर आ, इधर आ, कहाँ से हैं आप, ये तो हमें कच्चे के डब्बे से मिली थी जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, वाला अगर ग्लव हुआ मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, Guys, come on, we need to win. क्या है dear Isma? Dear ये है कसम से, तुम ना इसके ऊपर बैठ के इतना गोल घूमो जब तक ना तुम नेपाल ना पहुंचो, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, कहाँ यार, प्ले एनीवन,
किसी और को मैं इस वाले मैच में आने के लिए भी नहीं बोलती बेटा। Guys, deep ने लगाया है gloves. Guys, come on. Thank you. नहीं, अभी तो यहीं पे थे. Guys, come on. Push the score. Deep धोखे बाज. Guys, come on. Everyone. Rakesh भी धोखे बाज. कितनी बदतमीज है यार. Guys, thank you. धोखे बाजी से guys अब हम बात ही नहीं करने वाले. Guys, be careful. ये blackmailing कर रही है बेवा औरत. इसकी बातें मत सुने. इसको म्यूट करते हैं. पागल बेवा. Guys, no बेटा. Everyone, guys, be careful. म्यूट कर दिया. Guys, be careful, okay? देखो अभी इसको मुंह देखो इस मका कैसा हो गया. धोखेबाज होती मी धोखेबाज. देखो इस मका मुंह देखो. अरे उसको अनम्यूट कर दिया. इस बार देखो तुम कैसे मुंह बनाते हो ना हार के. ऐसे कर देती थी पर देखो मुंह देखो मुंह. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बस चिढ़ाने की कोशिश है. बस चिढ़ाने की कोशिश है इसको. कोई नहीं चिढ़ाने की कोशिश है. सही बोल रही हूँ. बस चिढ़ाने की कोशिश है. ऐसे नहीं करती है. बस चिढ़ाने की कोशिश है. आपकी बराबरी नहीं कर सकते ना तो लोग ऐसे ही जलते हैं. बराबरी कौन करेगा बे. म्यूट हो जा. म्यूट था तो बराबरी कैसे करेगी. ऐसा थी सुनने नहीं आया. म्यूट करेगी. तुम बराबरी कैसे करोगी. बात करने के लिए तुमको ऐसे बात करनी पड़ती है. हाँ 1-0. गाइस बी केयरफुल एवरीवन. थैंक यू दीप. दीप भी काउंट नहीं होगा. सिर्फ 10 काउंट होगी. 5 गाइस हारने नहीं देना है. गाइस हारने नहीं देना है. हमारी 8 की स्ट्रीक्स है. गाइस हमारी 8 की स्ट्रीक्स है. ऐसे मत करो. हो गया. ओह बाद में ग्लव्स लगे यार. हु इज बिग शेक. अरे यार एटलीस्ट गाइस एटलीस्ट ट्राई. गाइस कम ऑन. गाइस ऐसे हार नहीं मानो यार प्लीज. माय गॉड टाइमर लगा के भरा तुमने वो कर लिया. 8 की स्ट्रीक चली गई. इसका दुख है मुझको. नवाब के पास. अच्छा लो आलम तुम्हें अब तुम्हारे उसके पास भेजो. क्या नाम है उसका पता नहीं. गोल घूम गोल. मैंने बोला था कि मैं डेयर करूंगी. ए अभी फजूल बात मत करना. कसम से रूम में आके सारे बाल खींच दूंगी. हां तो खींच दे. क्या हां मैंने मैं कोई बहन नहीं. सब कुछ भी नहीं. डेयर कर अभी मुझ पे कितना वो. अभी ए ये हाथ अभी मैं आया भी मैं अपने पे आ गई. मैं बता रही हूँ अल्लाह की बहुत गलत हो जाएगा. सब में अब्यूजिंग लाइफ होगी. टिकटॉक ये नीचे रखो अपना हाथ. अपना हाथ नीचे रखो. बेस्ट ऑफ 3 था. 1-0. घोड़े से मिम्मी के घोड़े जैसी दिख रही है अभी. चुप कर. 3-1-0. शक्ल देख मैं घोड़ी कहेंगी. बाल भी घोड़े जैसे करवा रही हूँ. स्नो व्हाइट का छोटा बोला. चुप घोड़ी कहेंगी. घोड़ी. गाइस कम ऑन चलो. चुप. डेयर करो. 0-0. यार ओके 3 चॉइसेस हो. 3 भाई ना अपने पे. पहला इतना गोल गोल घूमो. इतना पूरे मैच गोल गोल घूमो. तुम इतना गोल गोल घूमो और तेजी से घूमोगी. तुम गोल गोल करना पड़ेगा. मैं 3 बोल रही हूँ. बेस्ट ऑफ 3 भैया. ठीक है. तीसरी ये कि बांग्लादेश की बांग्लादेश में शायरी करो. चलो
बंगला तुझे बड़ी समझ में आती है, आप बंगाली? हाँ हाँ आती आती, क्यों नहीं आती, बांग्लादेशी में करो ना तुम। एक हाँ। एक नेपाली, नहीं नहीं आराम से, अभी डेयर कंप्लीट नहीं हुआ। एक नेपाली में, एक बांग्लादेशी में और एक उर्दू में शायरी करके दिखाओ। तीनों तुम इधर क्या प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हो? ये 11 11 मैंने 3-3 करके सुनाई। वो तो अभी मजे, हम तो मजे ले रहे थे। मैंने 3-3 करके सुनाई, तुम भी 3 सुनाओ, एक उर्दू, एक नेपाली, एक बांग्लादेशी। चलो ओके थर्ड। यार इसे शायरी नहीं करनी, देखो तो जरा कितनी चालाक है। ठीक है थर्ड ये है कि आयुष भाई लाइव है, क्या करे, किधर है? वो बाहर, वो बाहर बोल रही हूँ, घर पर ही है लेकिन नेट नहीं चल रहा। कॉल कर सकती हो? कॉल शायद उठाए लेकिन बैलेंस छह ना है ना, आखिर इतनी इतनी गिफ्टिंग होती है, एक नंबर की कंजूस औरत, पर क्या खरीद लेगी इससे? हरी तो मुझे नहीं पता, बैलेंस करो, प्रैंक करो भाई पे लास्ट डेयर के। क्या करूं, प्रैंक प्रैंक? हाँ भाग यार भाई। ओके वो मेरे सुना था रात में, तुम लोग बात कर रहे थे ना, मैंने सब सुना। वो तुम लोग लड़ाई दार रहे थे एक दूसरे से, तुमने कहा है, वो तुमने बोला है, रात में तुम लोग लड़ रहे थे ना आपस में, कॉल करके वापस लड़ाई स्टार्ट करो। रात में कब हम लड़ते पागल, इतना लड़ते हैं वो भाई, माफ कर, अपना रूम हटा मेरे पास से, सारी आवाजें आती है, कसम खुदा की मैं नहीं भी सुनूं फिर भी आती है। पागल हम, वो लड़ नहीं रहे थे, तुम पागल हो, हम लड़ेंगे क्यों? ऐसे बात करते हो तुम लोग? Of course, ऐसे ही बात करते हम दोनों तो। मैं तुम तो धमकियां लगाई थी। तो वो भी मुझे लगा रहा था। कैसा से मैं ना तो एक एक प्राइवेट अकाउंट बनाती हूँ, तुम सबको ऐड करती हूँ और रोज ऐसा रिकॉर्डिंग डालूंगी उसमें इनकी बातें। वो अगर धमकी देगा तो मैं चुप हो जाऊंगी, तो मैं भी धमकी दे रही थी। पता नहीं क्या कर रहे थे तुम दोनों, लेकिन प्रैंक करो उन पर। नहीं नहीं ये वाला नहीं करूंगी मैं। डर गई दीदी, डर गई दीदी, डर गई हमारी दीदी, डर गई। बैलेंस नहीं तो डलवा दे दीदी को बैलेंस। हाँ हाँ दीदी डर गई, पता है हमें, दीदी डर गई, डलवा दो बैलेंस। डर गई फोन खुल गई, क्या फोन खुल गया? अरे फोन ही खुल गया, अभी फोन मैंने खोली नहीं है। दोनों हर दिन लड़ते हैं भाई, हर आए दिन लड़ रहे होते हैं भाई। और फिर इनकी सॉल्यूशन कौन करवाते, मुझे उसका नाम भी पता पता नहीं वो क्यों करवाते, मुझे उसका आज तक रोल समझ में नहीं आया। वो क्यों करवाता है, उसने तो मेरी जगह भी हटा दी भाई, उसने मुझे भी बोला फारिक है तू। कौन करवाता है? ओके मैं शायरी बोल देती हूँ, ठीक है? रो मत तू। हाँ तीन लैंग्वेजेस में बोलो, नेपाली में भी बोलना। हाँ अच्छे से, अच्छा सीख के आइए लगता है। ओके क्या बोलते हैं पहले, उर्दू? कोई सी भी गाना गा ले। अर्ज किया है। हाँ देखो कैसे छुट्टी पुट्टी घूम हुई। हाँ मेरे टाइम पे तो बड़ी वो बन रही थी, जैसे पता नहीं खुद ने तो पीएचडी कर रखी है शायरी में जैसे। तो बोलो अब क्या हुआ? सोच रहे हैं। खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों से है। खामोशी से मतलब नहीं, मतलब तो बातों से है। दिन तो गुजर ही जाते हैं, मसला तो रातों से है। अच्छा नाइस यार, की तो अच्छी। देखो इस माँ को बर्बाद, वो भी बर्बाद कर देती है रातों में लड़ गए। मसला तो रातों का है, मसला तो भाई का है, रातों रात खराब कर देती है पूरी। शर्म नहीं आती, तरस नहीं आता? क्या था नेपाली? अब मुझे वो लिंक भेजो जहाँ से तुम्हें नेपाली शायरी दिख रही थी, बताओ मुझे भेजो। नहीं उसमें भी ऐसी वाली ना निकल आए, अल्लाह की कसम अगर तुमने वो नेपाली में बोल दी बहुत ट्रोल हो जाओगी। मैं नहीं ट्रोल होती। अच्छा वो वैसे ही बोल दी तो जो मैंने तुम्हें भेजी स्क्रीनशॉट। हंस लेंगे दो लोग और क्या होगा, हंसेंगे। हा 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 हंसेंगे। डेटिंग प्लस शायरी नहीं होती ऐसी गंदी वाली? अच्छा भाई तो अब हमें क्या पता ना, हम तो शायरी कर रहे हैं, अब वो 18 प्लस निकली तो हम क्या करें? अब उसमें निकल जाए।
अच्छा लिखो नेपाली शायरी, गूगल पे जाओ लिखो नेपाली शायरी, और जो फर्स्ट लिंक आएगी ना, लिंक लिंक उस पे क्लिक करो, नॉट द पिक्चर्स, स्क्रॉल डाउन बता रहे, सर्च अस्मित पोएट्री, जाओ इधर जाओ, ठीक है तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दी मैंने, ये तो लड़का है कोई क्या तुम्हारी शायरी क्या है गाइस, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बोल रहा है यार, ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। हाँ अभी देखो तो... मैं जो रिंग भेजी है वहां जाओ, उधर छोटी छोटी है तेरी तो ना स्नो वाइट को बोला एटलीस्ट तेरी तरह तो नहीं हो ना, तुम इतना हो भी नहीं सकती ना। हो गई बकवास अच्छे से मेरी वाली मत बोल, कुछ ना देना तिम्रो हरेक शब्द हरुमा मा अफिलाई ना खुजनू घर छू, तिम्रो हरेक शब्द हरुमा मा अफिलाई नई खोजनू घर छू, तारा तिम्रो शब्द शब्द हरुमा समित सेना न सके को मा केसरी भेटू वापस वंस मोर ओके ओके, वाह वाह इधर सब लिख रहे, वाह वाह हो गया यार, वंस मोर यार वंस मोर, एक सेकंड मुझे कुछ खुजली सुनाई दी उसमें, खुजली हाँ, खोजने खोजने घर छू, ओ खोजने खोजने मतलब सर्च, तिम्रो हर एक शब्द शब्द हरुमा मा अफिलाई नई, मतलब तुम्हारे तुम्हारे हर शब्द में शायद मैं अपने आप को खोजती हूँ, तरह तिम्रो शब्द हरुमा समितना ना सके को मा कसेरी भेटू, इसका मतलब नहीं पता मुझको इसका मतलब क्या है, अरे वही लाइन का मतलब सच बोला तुमने, किरण ने वही लिखा, हाँ फर्स्ट वाली लाइन तो ठीक है, तरह तिम्रो शब्द हरुमा समेतना न सके को मां कसरी भेटू, तुम्हारे शब्द में, तुम्हारे शब्द में कुछ ऐसे करके आई है सारा तिम्रो, पीछे किसी ने लिखा ये शायरी नहीं रैप हो गया नेपाली में, तो यार होता है दूसरी लैंग्वेज में बोलते ना, एक तो शायरी में वो इतने मुश्किल मुश्किल ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं कि मतलब मैंने जब ट्राई किया था तो बारे में पढ़ा था तो मैं समझने में, यार इतने मुश्किल वर्ड तो नहीं होते नेपाली में, जब सुनते हैं तो इजी लगता है कि यार इजीली बोल रहे हैं बंदे, ठीक है, और जब हमारी पढ़ने की बारी आई तो इतना मुश्किल बना दिया, ये चीज फील होती है। और जो उर्दू वाली शायरी बोली या हिंदी लगा लो, वो हिंदी उर्दू ज्यादातर सेम सेम ही होती है, बहुत कुछ वर्ड्स अलग नहीं होते हैं, तो वो वाली बोली, वो वाली से जो बहुत बेस्ट बोली पहली ही बारी में पूरा ऐसे फील वील लेके जब नेपाली बोली, तो वो वाला कॉमेंट मेरे को सही लगा कि ये तो शायरी कम रैप ज्यादा हो गया, क्योंकि वो हो जाता है यार, वो इतनी मुश्किल होती है, लेकिन अलीजे ने ट्रांसलेट किया, हाँ पहली लाइन उन्होंने करेक्ट ट्रांसलेट करी कि ये इसका मतलब ये होता है, लास्ट वाली का नहीं समझ आया मेरे को, भी कुछ समझ नहीं आया लास्ट वाली का क्या था, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।